व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगद्दूताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ अब ठीक है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव देवी सरस्वती व्यासम ततो जयम्। और कहीं कहीं मैं कथा कहता हूं तो एक बात जरूर कहता हूं कि जीवन में प्रपंच तो बहुत है, लेकिन जब कथा में बैठिए तो आप अपना मन ठाकुर जी को दे दीजिए। ठाकुर जी को अपना मन दे दीजिए उतनी देर के लिए। और ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी आराधना है कि आपका चित्त उतनी देर के लिए निरुद्ध हो जाए और भगवान की कथा गंगा में गोता लगाए। महाराज तभी कथा का फल होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। जिसके द्वारा इस सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है, उस सत्य का ध्यान करना। वह शक्ति, वह सत्य जिसके द्वारा इस सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है, और महाराज जो जीव के साथ भी है और जीव से अलग भी है, मतलब उसकी सत्ता जीव के सत्ता के आत्मनिहितम च सत्य सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यम सजोनिहितम च सत्य सत्यव्रतम सत्य परम नेत्रम सत्यस्य योनिहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम सत्य नेत्रम सत्यामकं त्वां शरणं प्रपन्न सत्यस्य सत्यम सत्य नेत्रम सत्यामकं त्वां शरणं प्रपन्न। जन्मादस्य यतः आदस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वासुदेव गृहे जन्म। महाराज अजन्मा है, अविकारी है, लेकिन अजन्मा होकर के भी वसुदेव के घर में जन्म लेता है। अब कहेंगे कि महाराज वसुदेव के घर में कहां जन्म हुआ? जन्म तो जेल में हुआ कंस के। तो महाराज घर किसको कहते हैं? ईंट पत्थर की दीवार को घर नहीं कहते महाराज। तो घर किसको कहते हैं? न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम मुच्यते। महाराज गृहिणी को घर करते हैं। महाराज जी ईंट पत्थर को घर नहीं कहते तो बसते हो पत्याम देवक्याम। एक साथ विपद विस्मरणम विष्णु असंपन्नारायण स्मृति। भगवान का स्मरण करने से बड़ा धन नहीं और भगवान से भूलने से बड़ा विपत्ति नहीं। भगवान से बड़ा और क्या धन हो सकता है? तो महत्व है महाराज। और यहां तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है महाराज। यहाँ तो महाराज यहाँ तो वक्ता भी दिव्य, श्रोता भी दिव्य और स्थान भी दिव्य। वैष्णवे क्रियते कथम इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशक्रांतश्च जीवस्य शोधने किं पराय।
कटिया।